गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट दो नाक की चूड़ियों का भाग दो पढ़ेंगे। जो पहले हमने पार्ट वन पढ़ा था उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। पार्ट टू बुक किताब का आपका है पेज नंबर 7, पेज नंबर 7 की मैं उससे कहता कि शहर के सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं, तो वह उत्तर देता शहर की बात और है लला, वहां तो सभी कुछ होता है। वहां तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं और फिर उनकी कलाइयां नाजुक होती है ना, तो नाक की चूड़ियां पहने तो मोजना आ जाए। तो कहता है कि हमारे शहर में तो सभी लोग कांच की चूड़ियां पहनते हैं। तो बदलू उसको कहता है कि बेटा शहर की तो बात ही और है, वहां पर तो सभी कुछ होता है। वहां तो जो औरतें हैं वो मर्दों का हाथ पकड़कर घूमती भी हैं और फिर ऐसा भी होता है कि उनकी कलाइयां नाजुक होती है, नाक की चूड़ियां अपने भाग सहन नहीं कर सकती, इसलिए कांच की चूड़ियां पहनती होंगी। कभी कभी बद्दू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता था, अच्छी खासी खातिर यानी बहुत अच्छी मेहमान नवाजी उसकी करता था। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता था वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। बद्दू के पास एक गाय भी थी, है ना, गाय पाली हुई थी उसने। तो जब भी उसकी वो जाता था तो जब वो दूध देता था, गाय दूध देती तो उसके दूध से जो मलाई बचती वो लेखक के लिए वो बद्दू रखता था। और आम की फसल में तो मैं रोज उसके यहाँ 2-4 आम खा आता था। जब आम का सीजन होता था तो वहां जाता वो लेखक और वहां पर रोज के 2-4 आम खा लेता था। पर तो इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण मुझे अच्छा लगता था वह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना लेता था। इन सब बातों के अलावा भी लेखक को और भी अच्छा लगता था। क्यों अच्छा लगता था? क्योंकि वह रोज ही उसको 1-2 कांच की लाख की जो गोलियां हैं वो बदलू उसको बना के देता था। मैं बहुधा ही गर्मी में की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता था। बहुधा यानी बहुत बार, ज्यादातर वो अपने गर्मी की छुट्टियों में अपने मामा के घर जाता था और एक आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु 2-3 बार मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा तभी मेरे पिता की दूसरे में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गाँव न जा सका। वैसे तो बहुत बार जाता था वो, लेकिन ये ऐसा चांस जो उसको 2-4 बार ही मिला, क्योंकि थोड़े टाइम बाद लेखक के पिताजी का जो ट्रांसफर था वो दूसरे शहर में हो गया और लंबे समय तक वो फिर वो लेकर अपने मामा के गांव न जा सका। लगभग 8-10 वर्ष के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियां में मेरी रुचि नहीं रह गई। इतना लंबा टाइम हो गया कि 8-10 साल बाद जब लेकर बड़ा हो गया, जब वो वापस गाँव आया तो अब उसको इतना बड़ा हो गया था कि उसको जो रात के जो गोले होते थे उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहा, कोई रुचि नहीं रही। अतः गांव में होकर भी कई दिनों तक मुझे बद्दू का ध्यान न आया, मतलब गांव जाने के बाद भी उसको बद्दू की याद नहीं आई। इसी बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। इस टाइम में मुझसे देखा कि जो गाँव में जो औरतें हैं उन सबके हाथों में कांच की चूड़ियां पहनी हुई है। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी, विरले यानी बहुत ही कम लोगों के हक में उनके लाख की चूड़ियां पहनी थी। तब एक दिन सहसा मुझे बद्दू का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फसल फिसल कर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ियां टूट उसकी कलाई में चुभ गई और उसके खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे, मुझे उसकी मरम्मती करनी पड़ी। अचानक उसको बद्दू की याद आई। कैसे आई थी कि एक दिन क्या हुआ कि बरसात का मौसम था और उसके मामा भी घर पे नहीं थे और उनकी मामा की लड़की जो थी वो फिसल कर गिर गई और गिरने से उसके हाथ की कांच की जो चूड़ियां थी वो टूट कर उसकी कलाई में चुभ गई। अब घर पे कोई नहीं था तो उसकी मरहम पट्टी यानी जो पट्टी वगैरह करनी थी साफ सफाई वो भी लेखक को ही करनी थी। तभी सहसा मुझे बद्दू का ध्यान आया, उनकी कांच की चूड़ियों को देखकर उसको लेखक को उसका ध्यान आया और मैंने सोचा कि उससे मिला। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बद्दू वही चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। ऐसे याद आते वो घूमते घूमते बद्दू के घर में गया तो वहां देखा वो नीम के पेड़ के नीचे खाट पे बैठा हुआ था। नमस्ते बद्दू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी तरफ नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। परंतु मुझे उसने पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। जब लेखक जाकर उसे नमस्ते कहा उसने नमस्ते तो रिप्लाई कर दिया लेकिन उसको पहचान नहीं पाया बद्दू, क्योंकि लेखक छोटा था जब गाँव आता था, अब वो बहुत बड़ा हो गया था तो उसने उसको पहचाना नहीं लेकिन उसको देखता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवाकर ले जाता था, मैंने अपना परिचय दिया। जब उसने नहीं पहचाना तो उसने अपना नाम बताया और कहा कि मैं आपसे वो गोलियां बना के ले जाता था ना कि मैं वही हूँ और अपना इंट्रोडक्शन दिया, अपना परिचय दिया। बद्दू फिर भी चुप रहा, मानो वो अपनी स्मृति पटल पर अतीत की चित्र उतार रहा हो। और तभी एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला बैठो, बहुत दिन बाद आए। उसकी बात सुन
कभी को बिल्कुल चुप रहा और अपने इस पर जल्दी याददाश्त पे जोर देकर याद करने की कोशिश करने लगा और जब उसको एकदम से याद आया तब उसने उसको रिप्लाई दिया, हाँ इधर आना नहीं हो सकता काका, मैंने चारपाई पर बैठते उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही, मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे उसकी मच्छियाई नजर आई न ही बट्टी। थोड़ी देर वो एकदम चुपचाप बैठे रहे, फिर उसने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई यानी नजर है अपनी लेकिन अपनी नजर इधर दौड़ाई तो न तो उसके वहां पर भट्टी नजर आई और न ही मछिया जिस पर बैठ के चूड़िया बनाता था। आज तक काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। नहीं लल्ला, काम तो कई साल बंद है, मेरी बनाई चूड़ियों को कोई पूछे तब तो गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह खुद देर चुप रहा, फिर बोला मशीन ही है लल्ला, आज का सब काम मशीन से होता है, खेत भी मशीन से जोते हैं, फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ी होती है लाख में कहाँ संभव है। जब उसने काम के बारे में पूछा लाख की चूड़ी के बारे में तो उसने कहा वो तो काम मैंने तब का बंद कर दिया क्योंकि अब मेरी बनाई चूड़ी को कौन पूछता है, क्योंकि अब पूरे गांव में कांच की चूड़ियों का प्रचार है, सब तो कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं और मशीनी युग हो गया, सारी चीज़ें मशीन से बनती है, खेत के बूढ़ मशीनों से जोते जाते हैं, तो भला मेरी चूड़ियों को कौन पूछे। लेकिन यह कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है, मैंने कहा। नाजुक भी तो फिर होता ही है, लगाते करते खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है, अवस्था के साथ उसका शरीर भी ढल चुका था, उसके हाथों पर और माथे पर भी नसें उबर आई। जब बात करते करते वो खांसी आने लगी तो लेखक को लगा कि शायद बंदू को दमे की बीमारी है, सांस की प्रॉब्लम है। तो अवस्था के साथ साथ उसकी स्थिति के साथ साथ उसका शरीर भी मतलब ढल चुका था, यानी बूढ़ा हो चुका था और माथे पर हाथों में नसें उबर दिखने लग गई थी। जाने कैसे मैंने मेरी उसने शंका भाप ली और बोला दमा नहीं है मुझे, फसली की खांसी है, यही मेरे 2 महीने आती है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। बंधु ने उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को पहचान लिया था तो उसने बता दिया कि मुझे दमा नहीं है, ऐसी फसली खांसी है जो कि मुझे काफ़ी एक दो महीने से वो ठीक भी हो जाएगी। शंका भाप लिया, यानी उसके मन में जो डाउट था उसको समझ लिया। मैं चुप रहा, मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन ने कितने हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। थोड़ी देर तो चुप रहे, फिर उसको लेकर को लगा कि बंधु के अंदर यदि कुछ व्यथा छिपी है, दुख पीड़ा जो है वो अंदर उसके छुपी हुई है। तो देर तक सोच रहा कि मशीन ने युग में कितने हाथ काटे, आज का जो युग है सारा मशीन सारी चीज़ें जो है मशीन से बनती है, मशीन से बनने के कारण क्या लोगों को रोजगार कम मिलने लगे तो लोगों के हाथ काटे क्योंकि रोजगार नहीं मिलने लगा। आम की फसल अब कैसी है काका, कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है, उसे लग कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज दी। अरे रज्जू लता, लल्ला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी और मुताबिक होकर बोला माँ बना लल्ला तुम्हें आम खिलाना भूल गया। एकदम से उसके आम की फसल के बारे में पूछा तो उसने बहुत अच्छा हुआ है, अपनी बेटी को आवाज़ दी और आम लाने को कहा। फिर लेकर के मुताबिक खादी यानी उसकी तरफ देख कर उसे नजर मिलाकर उसको कहा कि मैं तो तुम्हें आम खिलाना भूल गया, आम से बहुत अच्छे हुए हैं। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा। जब देखने कहा मैंने तो बहुत आम खाए हैं, लेकिन बीवी ने कहा कि नहीं मैं तुम्हें आम खिलाए बोले तो यहाँ से जाने नहीं दूंगा। मैं चुप हो गया, मुझे बहुत दिन याद हुआ है जब मेरे लिए मलाई बजा कर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका, मैंने पूछा। गाय कहाँ है लल्ला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जू उसकी बेटी अंदर से डलिया में ढेर सारे आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा, मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी से ठहरे, मैं तुम्हारी उम्र का तो इसे चौगुने आम मेरे साथ खा जाता था। जब उसकी बेटी एक डलिया यानी छोटी सी टोकरी में आम लेके आई तो उसको देखकर लेकर देखा कि इतने सारे आम मैं कैसे खाऊंगा। तो बंधु ने हंसकर जवाब दिया कि शहरी ठहरे ना, तुम तो इतने ही खा पाओगे, लेकिन जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो उससे 4 गुना यानी 4 गुना ज्यादा आम मैं खा लेता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छाट कर 2 सिंदूरी वाले देना, देखो लल्ला कैसे इसी साल ये बड़े पेड़ तैयार हुआ है। रज्जू ने 4-5 आम अंजुली में लेकर, मेरी और बड़ अंजुली यानी अपने हाथ की गोभी उसमें लब में लेकर उसको दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मैंने कहा एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिटक गई, गोरी गोरी कलाइयों पर लाल चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी, फबना यानी सुंदर लगना। तो जब लेकर आम लेने के लिए उसके हाथ बढ़ाया तो उसके बदलू की बेटी रज्जू के हाथ में जो है लाल की चूड़ियाँ देखी जो बहुत ही सुंदर लग रही थी। बंधु ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल बड़ा, यह आखिरी जोड़ा बनाया था, जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर 10 आने पैसे मुझे दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं लिया, कहा सर से ले आओ। तो जब देवे ने उसको लाल की चूड़ियाँ देखी वैसे समझा तो बंधु ने उसके मन की बात को भांप लिया, दृष्टि
किया, जिसको देख लिया, नजर से देख लिया और कहा कि ये लास्ट चूड़ा है। ये चूड़े को जो लास्ट चूड़ा है जो मैंने बनाया था, वो जमींदार की बेटी के लिए बनाया था, उसने मुझे 10 आने देने को कहा, लेकिन मैंने उसको नहीं दिया और बोल दिया जाके शहर से ले आओ। मैंने आम खा लिए और खाकर थोड़ी देर पैसा चला गया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बंधु ने हार कर भी हार नहीं मानी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों से ऐसा था कि आसानी से टूट जाए। देख वहाँ से चला गया, लेकिन उसने मन में देखा कि देखो आज बंधु ने जो लाख के चूड़े का काम करता था, उसने कोई और धंधा शुरू नहीं किया। उसने लाख के चूड़े बना था, कोई बना था, उसने हार कर भी हार नहीं मानी और उसके व्यक्ति कांच के जैसा नहीं था। कांच को क्या था, जोर से ठोकर लगी और टूट जाता था। तो उसका व्यक्तित्व ऐसा नहीं था कि लाख की चूड़े अगर कोई नहीं खरीद जाए तो दूसरा कोई काम धंधा कर लेता। उसने ऐसा नहीं किया, वो अपने पैतृक पैसे पे ही डटा रहा। तो इस तरह से हमने आज ये हमने दूसरा इसका चैप्टर का पार्ट खत्म हो गया अपना। अब इसके चैप्टर के सब पार्ट के सबसे अंत में जो पेज नंबर 12 पर जो शब्दार्थ दिए गए हैं आपको शब्दार्थ करने हैं। अब आइए प्रश्न नंबर 1 पर। बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चार से क्यों जाता था और बंधु को बंधु महान कहकर बंधु काका क्यों कहता था। कि बंधु लेखक जो है वो बचपन में अपने मामा के गांव बड़े चार से जाता था, क्यों, क्योंकि वहां पर उसको बंधु जो है वो लाख की रंग बिरंगी गोलियां बनाकर देता था। और वो बंधु को बंधु मामा ने बंधु काका कहता था, क्यों, क्योंकि जो गांव के जो सारे बच्चे थे उसको बंधु काका कहते थे। तो अगर देखा जाए तो अपने नानी मामा के घर जाता था तो मामा के घर के आसपास के लोगों को मामा ही बोलना चाहिए, लेकिन जब गांव के सारे बच्चे बंधु को बंधु काका बोलते थे तो उसके देखा देख लेखक भी जो था वो बंधु को बंधु काका कहकर पुकारता था। वस्तु विनिमय क्या है, विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है, वस्तु विनिमय क्या है, वस्तु विनिमय क्या बता, ये है वस्तु विनिमय एक चीज के बदले अपनी जरूरत की दूसरी चीज लेना, पैसे देकर कोई चीज नहीं खरीदना, वस्तु के बदले वस्तु लेना यानी एक चीज के बदले दूसरी चीज लेना, ये है वस्तु विनिमय। और आज की प्रचलित पद्धति क्या है, मुद्रा विनिमय, पैसा। आज की जो प्रणाली है वो है मुद्रा विनिमय, कि हम पैसे देकर चीज खरीदते हैं, लेकिन बंधु जो था वो वस्तु विनिमय का तरीका अपनाता था कि चीज के बदले चीज लेता था। मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए, स्मृति लेखक की किस व्यथा की ओर संकेत किया है। मशीन युग मतलब आज का जो युग है वो पूरा मशीनी युग हो गया, जहाँ देखो वहाँ सारा काम मशीनों से होने लग गया, जिससे कि लोगों को रोजगार मिलना बंद हो गया, वो बेरोजगार हो गए। तो उनके हाथ बेरोजगार से ना तो उनके हाथ में पैसा रहा और न ही उनके हाथ में जमीन जायदाद, तो वो गरीब से गरीब होते गए। तो इससे उनके खाने के रोजी रोटी के भी समस्या आने लगे। तो इस तरह से मशीनी काम से क्या हुआ, लोगों के पास बेरोजगार रोजगार होना कम हो गया। तो इससे लेखक ने कहा कि हाथ काट देना है, हाथ काटने में ये नहीं हाथ काट देना, हाथ काटने का उसके पास काम धंधा नहीं होना, मशीनों के कारण लोगों के पास काम धंधा नहीं रहा और यही सारा जो दुख था वो लेखक के अंदर था। तो अब आपको सारे करने पहले आप सिलेबस सारे क्या करोगे, कठिन शब्द करोगे, शब्दार्थ करेंगे आप लोग, फिर जो प्रश्न उत्तर दिए होंगे जिसका पीडीएफ जो है वो मैं आपको व्हाट्सएप पे अपने ग्रुप में भेज दूंगी। ओके।